माँ ज्वाला जन कल्याण सभा के सदस्यों ने ज्वालामुखी अस्पताल का दौरा किया और वहां पर खंड चिकित्सा अधिकारी प्रवीण चौधरी, चिकित्सकों, कर्मचारियों और वहां आए हुए मरीजों से अस्पताल की अव्यवस्थाओं के विषय में चर्चा की। सभा के सदस्यों ने यह पाया कि ज्वालामुखी अस्पताल में पीने के पानी और साफ शौचालय जैसी मूलभूत कोई व्यवस्था नहीं थी। उल्लेखनीय है कि ज्वालामुखी अस्पताल अपने भवन की दुर्दशा के कारण वैसे ही बदनाम है और लगभग 5 वर्षों से 100 बेड की घोषणा होने के बावजूद 20 बेड को संभालने में भी यह अस्पताल असमर्थ है। इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सभा के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि यहां पर कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाए और ज्वालामुखी अस्पताल के भवन का निर्माण प्राथमिकता से शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। इसके अतिरिक्त लैब को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। इस अवसर पर मां ज्वाला जन कल्याण सभा के सदस्यों ने अस्पताल में पानी की आपूर्ति के लिए पानी के कैंटर की व्यवस्था भी की। आज मां ज्वाला जन कल्याण सभा ज्वालामुखी द्वारा अस्पताल का दौरा किया गया। बीएमओ साहब से भेंट की गई और उनसे अस्पताल में पाई जाने वाली कमियों के बाबत बातचीत की गई, क्योंकि इस COVID-19 महामारी के दौरान बहुत से अस्पताल जो है वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। माँ ज्वाला जन कल्याण सभा इन समस्याओं को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन को संभव सहायता जो भी सभा द्वारा की जा सकती है उसके लिए बाध्य है और करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज।